गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फोर सब्जेक्ट एसएसबी चैप्टर टू। देखिए, कल आपको इससे पहले बताया गया था, अब आप वे ऑफ लाइफ यानी जीवन की राह। लाइफ इन द डेजर्ट इज वेरी हार्ड। लाइफ यानी जीवन, लाइफ इन द डेजर्ट यानी रेगिस्तान में करा के, लाइफ इन द डेजर्ट इज वेरी हार्ड। रेगिस्तान में जीवन बहुत कठिन है। बिकाज बिकाज मानी क्योंकि, ऑफ लैक ऑफ वाटर एंड वेजिटेशन सम पीपल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। बिकाज क्योंकि, ऑफ लैक ऑफ वाटर एंड यानी वाटर यानी पानी, पानी और वनस्पतियों की कमी के कारण। आई बात समझ में? बिकाज मानी क्योंकि, करा रेगिस्तान लाइफ इन द डेजर्ट इज वेरी हार्ड। रेगिस्तान में जीवन बहुत कठिन है। विकास क्योंकि, पानी और वनस्पति की कमी के कारण। आई बात समझ में? यानी पानी और वनस्पति की कमी के कारण रेगिस्तान में जो जीवन है वह बहुत कठिन है। सम पीपल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सम माने कुछ, पीपल लोग माने कुछ लोग, मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। दे आर कार्ड बंजारा आर नोमड्स यानी दे आर कार्ड बंजारा माने उन्हें बंजारा या खाना बदोश। आईवासी में नोमड्स यानी खाना बदोश। दे आर कार्ड बंजारा माने उन्हें बंजारा या खाना बदोश कहा जाता है। एक कैमल इज वेरी यूजफुल एनिमल इन द डेजर्ट। एक कैमल इज वेरी यूजफुल यानी बहुत उपयोगी एनिमल यानी जानवर इन द डेजर्ट यानी राजस्थान यानी सॉरी रेगिस्तान। तो कराए एक कैमल इज ए वेरी यूजफुल एनिमल इन द डेजर्ट यानी ऊंट रेगिस्तान में एक बहुत उपयोगी जानवर है। देयर पैड्स फीट हेल्प देम टू वॉक इजली ऑन सैंड। सैंड मीन्स बालू या रेत। देयर पैडेड फीट यानी उसके गद्देदार, देखिए ऊंट को आप देखेंगे तो उसका पैर जो होता है वो गद्देदार होता है, और गद्देदार जो पैर होता है उसी के कारण जो है वह रेतीली यानी भूमि में सरलता से चल भी लेता है, दौड़ भी लेता है। तो करा है देयर पैड फीट हेल्प देम टू वॉक इजली ऑन सैंड। उसके गद्देदार पैर उन्हें रेत पर यानी बालू पर आसानी से चलने में सहायता करते हैं या मदद करते हैं। कैमल कैन सर्वाइव विथआउट फूड एंड वाटर फॉर मेनी डेज। कैमल यानी ऊंट कैन सर्वाइव विथआउट फूड एंड वाटर यानी बिना पानी और भोजन के फॉर मेनी डेज यानी कई दिनों तक। कराए कैमल्स कैन सर्वाइव विथआउट फूड एंड वाटर फॉर मेनी डेज। ऊंट बिना पानी और भोजन के कई दिनों तक परिवहन का एक उपयोगी साधन है। पीपुल इन द डेजर्ट ट्रेवल ऑन कार्ट पुल्ड बाई कैमल्स। रेगिस्तान में लोग ऊंटों द्वारा खींची गई गाड़ियों पर यात्रा करते हैं। कैमल्स आल्सो प्रोवाइड मिल्क माने ऊंट भी दूध प्रदान करते हैं। इट्स हेयर इज यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ्स। बालों का उपयोग क्लॉथ्स माने कपड़े, मेकिंग क्लॉथ्स यानी हेयर मीन्स बाल होता है, तो बालों का उपयोग कपड़े बनाने में किया जाता है। पीपल मोस्टली रेयर शीप गोट कैमल एंड कैटल यानी पीपल मोस्टली माने ज़्यादातर लोग रेयर यानी शीप माने भेड़ बकरी ऊंट और कैटल आदि पालते हैं। सम ऑफ देम आर फार्मर्स। सम यानी कुछ, ऑफ देम यानी उनमें से कुछ, आर फार्मर्स माने किसान। सम ऑफ देम आर फार्मर्स दे ग्रो। तो यदि सम ऑफ देम आर फार्मर्स, फार्मर्स यानी किसान, सम माने कुछ, उनमें से कुछ किसान। दे ग्रो बाजरा ज्वार मेज मक्का सेसमी एंड ग्राउंडनट। ग्राउंडनट मतलब मूंगफली यानी वे बाजरा ज्वार मक्का तेल और मूंगफली उगाते हैं।
houses in a desert have flat roofs, यानी रेगिस्तान की जो सतह होती है वो सपाट होती है. The walls are thick to keep the heat out. वॉल यानी दीवार थिक अप टू कीप माने हीट आउट माने गर्मी को, तो माने गर्मी को दूर रखने के लिए दीवारें जो होती हैं थिक यानी मोटी होती हैं. सम हाउसेस हैव ए वेल आर अंडरग्राउंड टैंक टू स्टोर वाटर. अंडरग्राउंड द सम हाउसेस कुछ घरों में हैव ए वेल आर अंडरग्राउंड टैंक टू स्टोर वाटर, यानी पानी जमा करने के लिए एक कुआं या भूमिगत टैंक होता है. अंडरग्राउंड टैंक यानी भूमिगत टैंक. सच टैंक आर कार्ड टैंकर्स, माने ऐसे टंकों को टैंकर्स कहा जाता है. द पीपल ऑफ राजस्थान लव टू वियर कलरफुल क्लॉथ्स. द पीपल ऑफ राजस्थान लव यानी राजस्थान के लोग कराए कलरफुल क्लॉथ्स यानी रंगीन कपड़े. लव टू वियर माने पहनना पसंद करते हैं. तो द पीपल ऑफ राजस्थान लव टू वियर कलरफुल क्लॉथ्स, राजस्थान के लोग रंगीन कपड़े पहनना पसंद करते हैं. वोमेन वियर घाघरा चोली एंड ओढ़नी. वोमेन यानी औरतें घाघरा चोली और ओढ़नी पहनती हैं. मेन वियर धोती कलरफुल कुर्ता एंड टर्बन. मैन यानी पुरुष धोती कलरफुल कुर्ता यानी रंग बिरंगे कुर्ते और पगड़ी पहनते हैं. पीपुल लव टू ईट द पॉपुलर डिश दाल बाटी चूरमा. पीपुल लव टू ईट लोग दाल बाटी चूरमा खाना पसंद करते हैं, माने वहाँ के लोगों का अपनी व्यंजन जो है दाल बाटी और चूरमा. द मेन फेस्टिवल, ध्यान दें वहाँ का त्यौहार. द मेन फेस्टिवल आर तीज गणगौर होली दशहरा एंड दिवाली. द मेन फेस्टिवल यानी मुख्य त्यौहार, तर मुख्य त्यौहार तीज गणगौर होली दशहरा और दिवाली है. जयपुर जैसलमेर जोधपुर उदयपुर आर सम इम्पोर्टेंट सिटीज. जयपुर जैसलमेर जोधपुर उदयपुर कुछ महत्वपूर्ण शहर हैं. भारतपुर सरिस्का एंड रणथंभौर आर सम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लोकेटेड इन दिस रीजन. भरतपुर सरिस्का रणथंभौर इस क्षेत्र में स्थित कुछ वन्य जीव अभयारण्य जहाँ पर वन्य जीवों को पाला जाता है. ए लार्ज नंबर टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिट राजस्थान एवरी ईयर. ए लार्ज नंबर टूरिस्ट माने एवरी ईयर यानी प्रत्येक वर्ष. ओवर द वर्ल्ड यानी दुनिया भर से बड़ी संख्या में पर्यटक हर साल राजस्थान आते हैं. जैसलमेर इज फेमस फॉर इट्स न्यूमेरस हवेली एंड ओल्ड फोर्ट माने किला कराए. जैसलमेर अपनी कई हवेलियों और पुराने किलों के लिए प्रसिद्ध है. जयपुर इज आल्सो कॉल्ड द पिंक सिटी. पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर. जयपुर इज आल्सो कॉल्ड द पिंक सिटी. जयपुर गुलाबी शहर भी है. इट इज आल्सो द कैपिटल सिटी या राजधानी भी है. इट इज आल्सो द कैपिटल सिटी माने यह राजधानी भी है. मैनी एनिमल्स हेयर आर हेड हेयर. मैनी एनिमल्स हेयर यहाँ कई पशु मेलों का आयोजन किया जाता है. कैटल हेयर आर हेड एट जैसलमेर एंड
करा है कैटस फेयर यानी पुष्कर और जैसमेर, पुष्कर और जैसमेर में पशु मेले लगते हैं। पुष्कर यानी दो स्थान बता रहा है कैटस यानी पशु मेले। थ्रू लाइफ द टच एंड हॉर्स हियर पीपुल आर हार्ड वर्किंग एंड फन लविंग। हालांकि यहाँ जीवन कठिन और कठोर है। पीपुल आर हार्ड वर्किंग लोग मेहनती और करा है फन लविंग मस्ती प्रेमी है। देयर आर मैनी टेल्स अबाउट द वेवरी ऑफ द किंग्स एंड देयर थीफ्स ऑफ एंशेंट टाइम्स। देयर एक्ट ऑफ ब्रेवरी आर द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ द फोक सॉन्ग ऑफ राजस्थान। प्राचीन काल के राजाओं और उनके बहादुरी के बारे में कई लोक कथाएं हैं। देयर एक्ट माने उनकी वीरता और बहादुरी माने उनकी वीरता के लोकगीतों में महत्वपूर्ण विषय है। देयर एक्ट द ब्रेवरी आर द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ द फोक सॉन्ग। उनकी वीरता के कार्य राजस्थान के लोकगीतों में महत्वपूर्ण विषय है। अब इसके बाद आप जो है इसकी एक्सरसाइज ध्यान देंगे। पहले आप लेसन को एक बार फिर से अच्छी तरह से पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि लेसन जब आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे तभी आपको एक्सरसाइज समझ में आएगा। तो आप पहले लेसन को ध्यान से पढ़ें, इसके बाद आपको अगले टर्न पर इसकी एक्सरसाइज कराई जाएगी। थैंक यू।